सहगल और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लोको पर, जो कि है हिंदुस्तान का सबसे पहला लाइव ट्रिविया गेम शो। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन हम फेस टू फेस अगर बताने की बात आए तो हम उन्हें कह नहीं पाते। हमें जजमेंट का थोड़ा सा डर होता है, कुछ हेजिटेशन होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमें रोकती है उनको एक्सप्रेस करने से। इट्स बेटर टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से जो आपके दिल में है, देन नॉट टॉक अबाउट इट एट ऑल। बट हम उन्हें फेस टू फेस ये बात बताने में डरते हैं। वो कुछ भी बात हो सकती है, वो आपके दिल में कोई बात हो सकती है, वो आप शायद उनसे कुछ फेवर चाहते हैं किसी से, या आपका कोई काम है जो आप करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी कुछ ऐसी बात आपके दिल में होगी जिससे आपको उलझन हो रही है। सो यू नो इट कुड बी एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन आप फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करिए कि वो अपनी जो बात है ना उसको लिख के सामने वाले को एक्सप्रेस कर लीजिए। हम आपसे या आप लेटर लिखें, लेटर लिखने का शायद पेशेंस अब हम सब में नहीं है, बट आप उन चीज़ों को टेक्स्ट पे भी लिख के या ईमेल पे लिख के या कहीं पे भी अपने फोन पे नोट्स में लिख के कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को भेज सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी बात होती है जिसे हम लिख के एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारा काफी बेहतर होता है, ना कि जो हम उनको फेस टू फेस बोले। सो आई होप व्हाटएवर इज देयर इन योर हार्ट यू आर एबल टू शेयर इट विद समवन। इट्स ऑलवेज बेटर टू शेयर इट देन नॉट टॉक अबाउट इट। एंड दिस इज मोनिकास टिपी टिपी टॉक फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप इट हेल्प्स यू। एंड वेलकम वंस अगेन टू लोको, जो कि इंडिया का सबसे पहला लाइव ट्रिविया गेम शो है। आज के हमारे गेम की प्राइज मनी है पूरे होगा 10 सेकंड का समय जो शुरू होगा जब हम सवाल बोलना स्टार्ट करेंगे। आई एम गोना क्विकली मूव टू सम फैन फोटोग्राफ्स। हमें पहली फोटोग्राफ आई है ओसामा सिद्दीकी से, जो कह रहे हैं कि उनका जो भाई अब्दुल रहमान, वो गेम स्टार्ट होने के 30 मिनट्स पहले ही बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और ये लोगों खेलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना प्यार करते हैं। और दूसरी फोटोग्राफ हमें आई है मुन्ना चौधरी से, और मुन्ना चौधरी बता रहे हैं कि ये जनाब जियो एक्टिवेशन ऑफिसर के साथ लोको खेल रहे हैं। थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट लोको एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप लोग इस तरह से मिलजुल के ये गेम खेलते हैं, साथ में सीखते हैं, साथ में जीतते हैं और उसके बाद साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं। तो जब भी आप लोको को जीत के सेलिब्रेट कर रहे हैं या जब भी आप लोको एकजुट होकर खेल रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफ्स हमें जरूर भेजिएगा @getlokonow पर, जो कि हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए या हमारे सोशल मीडिया लड्डू के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। I'm going to repeat, it's @getlokonow and thank you so much once again for playing with us। अगर आपको हमारी ऐप बहुत पसंद है तो हमें प्ले स्टोर पर आप 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा। I'm going to begin the game today and I'm going to wish you all the best and I hope it goes well। Question number 1, what can you see in the sky at night? Stars, water bottles या pen stands? हमें लगता है कि ये वाला जो सवाल बनता है ना, जो पहले दूसरे नंबर का आपके लिए एकदम वार्म अप सवाल बनता है, इसके ऑप्शन निकालना सबसे डिफिकल्ट होता होगा, कि ये सोचना कि नहीं आप इस बार ये गलत जवाब को सिलेक्ट ना करें। आई रियली होप कि आप गलत जवाब सिलेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज द राइट आंसर फॉर यू इज स्टार्स एंड थैंक यू सो मच, वी हैव गॉट एवरीवन हु गॉट इट राइट। आपको पता है कि अर्थ से सबसे जो क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है। एंड ऑल्सो अगर आपको आपके पास मैप नहीं है या कंपस नहीं है और आपको नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना है तो आप ध्रुव तारे की तरफ देखिए, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द जी इन पार्ले जी स्टैंड फॉर? ग्रेट, जेम या ग्लूकोज? वैसे ये हम लोगों की कल रात का लड्डू था और अगर आपने हमारे साथ खेला है तो आपको डेफिनेटली इसका जवाब पता होगा। नहीं भी खेला है तो पार्ले जी तो ऐसा एक बिस्किट है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं और हर इंसान का ना पार्ले जी खाने का एक अलग ढंग होता है। जब हम छोटे थे और हम बीमार पड़ते थे तो मम्मा हमें कप का जो सॉसर होता है उसमें चाय डाल के और उसमें पार्ले जी डुबो के और फिर खिलाती थी, और जब हम बीमार होते थे तो खाने में बहुत मजा आता था। द राइट आंसर फॉर यू इज ग्लूकोज। अगर आपको किसी फ्रेंड को बर्थडे में सेलिब्रेट करना है तो पार्ले जी को कॉफी के पानी में डुबो के बिछाए, उसके ऊपर मिल्क मेड लगाए और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाकर उसको फ्रिज में डाल दे, योर केक इज रेडी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू 10 ऑफ द 14 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड लाई? हिमालयस, एंडीज या एल्प्स? वेल लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ फॉर्म ऑफ माउंटेन रेंज इन एशिया एंड यू डेफिनेटली नो अबाउट इट, क्योंकि ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे हम सबकी ट्रैकिंग करने का एक बार तो मन होता ही है। द राइट आंसर फॉर यू वी गॉट अबाउट 89,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। वैसे मई जून का समय होता है ना जब हम लोग ट्रैकिंग के लिए बहुत जाया करते हैं, आई थिंक इट्स द सीजन ऑफ ट्रैकिंग। तो अगर इस मई जून में आप हिमालय पे ट्रैकिंग करने गए थे तो उसकी फोटोग्राफ हमें @getlokonow पर जरूर भेजिएगा, वी वुड लव टू फीचर देम फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4,
Which of these apps does not facilitate food delivery? Zomato, Dine Out या Fresh Menu? आजकल बहुत आसान हो गया है ना कि हम लोग को कभी भी कुछ भी खाने की जरूरत होती है तो बस इट्स जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स. आपको जो खाना है वो तुरंत आप उसको ऑर्डर करके और बुलवा सकते हैं. पहले तो हमें कुछ ऑर्डर करना होता था तो सोचना पड़ता था कि कहाँ से हम किसको फोन लगाएं. द राइट आंसर फॉर यू इज डाइन आउट. और वैसे हमारा सोशल मीडिया लड्डू भी था एंड डाइन आउट इज अ रेस्टोरेंट टेबल ऐप. You know, it's an app जहाँ पे आप reservation करवा सकते हैं and this company was founded in 2012 and it's Delhi based but आप पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी reservation कराना हो किसी restaurant में तो यहाँ से करा सकते हैं. Question number 5, which of the following planets rotates clockwise? Neptune, Jupiter या Venus? Well, let me tell you that there are two planets that rotate clockwise and इसलिए वहाँ पर जो sun है वो वेस्ट में राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है. सो द राइट आंसर फॉर यू इज वीनस एंड वी हैव गॉट अबाउट 29,000 पीपल हैव गॉट इट राइट. आल्सो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. सन के बाद मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है और फिर अर्थ आता है एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. सो वेल, दैट वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. Who famously said genius is 99% perspiration and 1% inspiration? Albert Einstein, Thomas Edison, or Henry Ford? Well, if you know about this person, let me tell you that this man invented bulb and in his school jana bilkul bhi nahi pasand tha. So the right answer for you, I hope you guys know it right. The right answer is Thomas Edison. We have got about 14,000 people have got it right. ये ना सिर्फ 12 हफ्ते के लिए स्कूल गए थे और फिर इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और फिर इनकी मम्मी ने इन्हें 11 साल की उम्र तक पढ़ाई करवाई थी. ये शेक्सपियर के प्लेस को बहुत पसंद करते थे एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इवन वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर. कैन यू बिलीव इट? वेल, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दीज फिल्म इज द हाइएस्ट ग्रॉसिंग ब्लॉकबस्टर मूवी टिल डेट? अवतार, टाइटैनिक या द एवेंजर्स? ये वाली फिल्म आई एम श्योर आप सबने देखी है. अगर आपने हमारी कोई मिल गया में जादू को देखा है तो ये हमारा हॉलीवुड वर्जन ऑफ जादू है तो आपको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है. द राइट आंसर फॉर यू इज ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज अवतार एंड वी हैव गॉट अबाउट 10,000 पीपल हैव गॉट इट राइट. ये फिल्म जेम्स कैमरन ने बनाई थी और ये 1999 में रिलीज होने वाली थी लेकिन इसके स्पेशल इफेक्ट से उनका जो बजट है वो $400 million से बढ़ गया था एंड नो स्टूडियो वॉज रेडी टू फंड इट एंड दैट्स लाइक द शेल्फ फॉर 8 years. दैट्स Question number 8. What was the philosopher Kierkegaard's first published work? Yes, no, on, off, yeah, either or? Well, let me tell you that this work was his first published work and he was a philosopher, Danish philosopher Søren Kierkegaard. And ye jo book hai ye life ke do views ko portray karti hai. The right answer for you is either or. We have got about 7,400 people have got it right. It outlines the theory of human existence marked by the distinction between the aesthetic mode of life and the ethical. Life ki jo sundarta hai aur life mein sahi galat kya hai, ye do tarah ki baatein wo us philosophy mein samjhate hain. We are moving to question number 9. The Rohingyas are residents of which division of Myanmar? Rohani state, Kachin state, or Rakhine state? Well, let me tell you that Rohingyas people are stateless community and Myanmar mein inko citizenship nahi di gayi thi. And 7 lakh Rohingya Muslim jo the, wo Bangladesh chale gaye the August 2017 mein. And the right answer for you is Rakhine state. And wo log isle gaye the because due to military crackdown on Rohingyas. Lekin Myanmar ne recently ye bhi announce kiya hai ki wo Rohingyas ko wapas लेने के लिए तैयार है, सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है, ओनली इफ दे वॉलंटरीली कम बैक.